आज मैं आपको ढोंगी बाबाओं के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आजकल हमारे देश में ढोंगी बाबा का उपद्रव इतना बढ़ गया है कि जितना उपद्रव बारिश में मच्छर का बढ़ जाता है। जब मच्छर आपको काटते हैं तो आपको मलेरिया हो जाता है, और ये बाबा किसी को काटते हैं तो बाबा को लवेरिया हो जाता है। मेरा पहला प्रश्न आपको ये है कि हम क्यों ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं? कोई कहता है ज्ञान के लिए, तो मैं उसे कहता हूँ कि जिस ज्ञान के लिए आप ऐसे बाबाओं के पाँव पड़ते हो, इसी ज्ञान तो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दे दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि ये ज्ञान के महासागर को हमने मंदिरों में और लाइब्रेरी में कैद कर दिया है। फिर हम ऐसे ढोंगी बाबाओं के पीछे वही ज्ञान पाने के लिए हमारा तन मन धन परिवार सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। फिर हम पुलिस में यौन शोषण की फरियाद करते हैं। ऐसे बाबा अपने आप को कृष्ण का अवतार बताता है और कहता है कि कृष्ण को 16000 रानियां थी, तो फिर हम 10 बार तो रख सकते हैं ना? अरे भाई, कृष्ण ने तो काली नाग का दमन किया था, आप जरा सांप की पूंछ पकड़ कर तो बताओ। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसे बाबाओं पर कृष्ण भगवान की कृपा हो रही है। कृष्ण सोचता होगा कि पहले मैंने जेल में जन्म लिया, बाद में भगवान बना। आप साले पहले भगवान बन गया तो कम से कम जेल में मरना तो सीखो। इसलिए मित्रों, आज टीवी पर आप सब देख रहे हो कितने ऐसा ढोंगी बाबा आज जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि आपको तो ज्ञान के लिए एकांत कुटिया और गुफा चाहिए, तो जेल से बेहतर कोई भी एकांत कुटिया हो नहीं सकती। वहाँ बेचारा कैदी लोग कब से आपका इंतजार कर रहा है। एक बाबा अयोध्या से वापस लौट रहा था और बिना टिकट साला ट्रेन में बैठ गया। टीटी आया और टिकट मांगी। बाबा बोले, टिकट तो नहीं है। टीटी ने बोला, कहाँ गए थे? बाबा बोले, जहाँ राम का जन्म हुआ था वहाँ गए थे। टीटी ने हथकड़ी निकाली और बाबा को पहना दी। बाबा बोले, कहाँ जाना है? टीटी बोले, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ जाना है। एक दूसरी बात, मैंने देखा है कि जब ऐसे बाबा आपके घर का मेहमान बनता है तो आपको 5-25 हज़ार का चंदा देना पड़ता है। तो मैं उस बाबा को पूछता हूँ कि राम सबरी के घर गए तो राम ने कितना चंदा लिया? कुछ नहीं। कृष्ण विदुर जी के घर गया तो कितना चंदा लिया? कुछ नहीं। लेकिन आप तो राम और कृष्ण से भी ज़्यादा महंगा निकला कि चंदा के बिना आप किसी के घर जा नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि व्यापार में धर्म शोभा देता है, लेकिन धर्म में व्यापार कभी शोभा नहीं देता। आज ऐसे ढोंगी बाबाओं ने धर्म को एक व्यापार बना दिया है। इसलिए आज मैं हिंदुस्तान के हर एक नौजवान लड़के और लड़कियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने परिवार को ऐसे बाबाओं की जाल में मत फंसने दो। आज हर एक लड़कों को अर्जुन और हर एक लड़की को दुर्गा बन के ऐसे ढोंगी बाबा को पाठ सिखाने का वक्त आ गया है। शास्त्र कहता है कि धर्म के पर्दे के पीछे अधर्म छिपा है, तो अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का पर्दा भी तोड़ डालो। इसलिए तो महाभारत में दुर्योधन को मारने के लिए अर्जुन ने अपने नाना भीष्म को मारना पड़ा। हमारे जीवन के सभी प्रश्न के उत्तर ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ गीता में है। तो फिर क्यों हम ओरिजिनल कंपनी को छोड़कर माल लेने के लिए बाबाओं जैसे कमीशन एजेंटों के पास जाते हैं? कर्म क्या है, सुख दुख क्या है, पाप पुण्य कैसे होता है, जन्म मृत्यु का विज्ञान, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ गीता में है।
हमारे जीवन की सभी समस्याएं और सभी टेंशन खत्म करने वाला इस दुनिया में एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है भगवद गीता। गीता सिर्फ ज्ञान नहीं, एक विज्ञान है। कोई भी मनुष्य इस विज्ञान को जानकर ऐसा सुख प्राप्त कर सकता है कि जिसके पीछे दुख आ ही नहीं सकता। बस ये शाश्वत और सनातन सुख पाने के लिए हमारा अगला और वीडियो सुनते जाना, क्योंकि आज तक आपने धर्म के बारे में कभी भी सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। ऐसा भगवद गीता का गूढ़ रहस्य और नग्न सत्य जानने को मिलेगा। और जिस दिन आपको ये पूरा ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाएगा, तब आपको शाश्वत सुख का अनुभव होगा, आप सर्व दुखों से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान की और हमारी गारंटी है। आज मैं आपको ढोंगी बाबाओं के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आजकल हमारे देश में ढोंगी बाबा का उपद्रव इतना बढ़